चार वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी इन चार शब्दों का मर्म जान लो, तब भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरता। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों पर। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, किंतु जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई है खुशियां भी आजकल, कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, गजब का ढोंग करते हैं ये सच्चा प्यार करने वाले। कौन सीखता है बातों से, सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने, हर खरीदार बोला अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। भरोसा नहीं है क्या मुझ पे, ये लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे देते हैं। परवाह है तुम्हारी इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गेरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म बढ़ जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं, कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है, उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारों, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए तीन बातें जान लो, लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो, लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक, लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। न जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, अगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती।
इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करते हैं। परिस्थिति जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले बैठकर सोचकर तो देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। बड़े होंगे तो जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, बचपन के इस ख्याल पर अब रोज हंसी आती है। सारे वजन उठाकर देख लिया, दाल रोटी ही सबसे भारी है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। प्यार और भरोसा, ये दो ऐसे पंछी है, अगर इनमें से एक भी उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। इंसान को थोड़ा मस्तिष्क रहना चाहिए, सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। कितना कमा लेते हो यह सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो यह कोई नहीं पूछता। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है। शराब का नशा तो दो चार घंटे बाद उतर ही जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह होती, 24 घंटे बाद खुद ही हट जाती। लोगों को ब्लॉक नहीं बल्कि इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। जिंदगी को नर्क बनाने के लिए आज की दुनिया के 3 प्रमुख तरीके, झूठा प्यार मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। जिंदगी में कभी भी ये सोचने मत बैठना कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आपको सिर्फ अपने आप को ढूंढने में मेहनत करनी है, बाकी सब के लिए गूगल है। इसके भी जनाब क्या खूबसूरत हस्ती है, किसी से ज़बरदस्त है तो किसी से ज़बरदस्ती है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। उम्र और समझ में फर्क हो सकता है, लेकिन जज्बात तो सबके गहरे होते हैं।